सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। और मैं दोबारा से कहती हूँ, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। कैसे हैं? अच्छा, कॉल ख़त्म हुआ तो सत श्री अकाल आ गया, सही है, बेहतर है। तो सद्दाम हुसैन हमारे साथ हैं, आप तो हो गई ना, आप इनके साथ हैं, मुस्कान खान आप इनके साथ हैं, वो देखो खिड़की वाली साथ है, खिड़की वाली साइड। अयोध्या फूड टूर, आगे हिंदी में अयोध्या फूड, फ्री फूड अयोध्या बांद्रा। अच्छा, ये फ्री में खिला रहे हैं, होती है ना अयोध्या इन धार्मिक जगह। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय श्री राम, मैं पवन यादव अयोध्या से। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अब अयोध्या की वीडियोस आ रही हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि खाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है खाने के, भोजन को लेकर। आप जानते हैं कि हर जगह पे पैसों से हर एक चीज़ मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है, अयोध्या में रहने के लिए मिल जाता है, लेकिन मैं आपको कम बजट में सब कुछ बताता रहता हूँ। तो आज हम आपको दिखाते हैं भोजनालय, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको फ्री भोजन मिलेगा, उसको हम फ्री नहीं कह सकते, ऐसा मैंने नाम लिया है, लेकिन यह है महाप्रसाद जो कि श्रद्धालुओं को वितरण किया जा रहा है जब से प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टेंट हाउस जो है वो बने हुए हैं, आप फ्री में रह सकते हैं। MLA के द्वारा, बहुत सारे BJP कार्यालय के द्वारा बहुत बड़े बड़े टेंट सिटी बनी हुए हैं जो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनके कार्यालय से, ये चीज़ हो गया। लेकिन भोजन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हो। और इसका लोकेशन जो है धर्मपथ है, सामने आप देख रहे हो, ये धर्मपथ है, सामने ये धर्मपथ है जो कि सीधे लता मंगेशकर चौक की तरफ लेकर जाता है। और अभी हम संग्रहालय के जस्ट सामने, ये संग्रहालय पीछे है और सामने ही आपको ये टेंट दिख रहा होगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं फ्री में भोजन जो है, यानी महाप्रसाद जो है वो मिल रहा है। तो सामने आप ये देख रहे हैं, ये धर्मपथ है जो कि अयोध्या बाईपास से आता है और ये लता मंगेशकर चौक की तरफ जाता है। सामने आपको संग्रहालय इधर दिख जाएगा और इधर साइड आपको अन्नदान सेवा दिख जाएगा। इधर साइड आप देख रहे हैं अन्नदान सेवा है ये, और ये इस्कॉन मंदिर जो है उसकी तरफ से यहाँ पर ये जो है आपको वितरण कराते हैं प्रसाद। ये देखिए, ये दिख रहा ना आपको, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये अन्नदान है जो कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आते हैं और फ्री में ये जो है आपको भोजन जो है यहाँ पर मिलते हैं। इधर साइड ये आप देखिए, सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लाइन वाइज जो लगे हुए हैं श्रद्धालु, और आपको यहाँ पर प्लेट्स जो है खाने को मिलते हैं। ये देखिए अन्नदान, ये इस्कॉन टेम्पल के द्वारा बनाया, ये जो है जो वितरण है ये किया जा रहा है। आए, ये आप देखिए पूरा इस्कॉन टेम्पल ये जो है, और ये वृंदावन की तरफ से जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए बाबू, कहाँ से हो? गोंडा से। आप कहाँ से सर? गोंडा से। सब लोग गोंडा से हैं, तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो आते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पर जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? कवि नगर से। दर्शन किया राम मंदिर का? हाँ, हो गया। बढ़िया, कैसा लगा मंदिर? अच्छा है। प्रसाद कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। चलो, तो आपने देखा कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है भोजन यहाँ पर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अयोध्या में बहुत जगह भोजन जो है आपको दिए जाते हैं। क्या नाम है छोटू? समर मिश्रा। भोजन कैसा है? बढ़िया है। क्या क्या चीज़ मिला था? बहुत बढ़िया। क्या क्या मिला था? रोटी, चावल। क्या क्या मिला था भैया? रोटी है, सब्जी है, हलवा है। हाँ, और भी खाना मिल जाएगा आपको रात को। भोजन बढ़िया है। कब तक चलता है ये? ये चलेगा 3 महीने तक। तुम्हारा 3 महीने तक चलेगा? कितने बजे सुबह, कितने बजे चालू हो जाता है? 8 बजे। 8 बजे चालू हो जाता है ये? 8 बजे चालू होता है। रात में कितने बजे तक चलता है? चलता है 5 बजे तक, 6 बजे, 5-6 बजे तक चलता है। आप लोग यहीं के हैं? हाँ। चलो बढ़िया है। यहाँ पे अन्नदान सेवा, यहाँ पर हलवा जो है आपको यहाँ पर दिख सकते हो। देखिए हलवा भी मिला है मेरे को, देखिए। इसी तरीके से हलवा जो है आपको दिए जाते हैं, सब्जी है, चावल है, हलवा, पूड़ी और रोटी। टाइमिंग क्या है होने वाला है? तो महाराज जी कहाँ से हो आप? लाइन में लग गया। कहाँ से हो? हरिद्वार से आए। हरिद्वार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइन वाइज किस तरीके से सब लोग लगे हुए हैं, और लाइन देखिए आप काफ़ी ज़्यादा है। चावल यहाँ पे वितरण हो रहा है,
इस तरीके से लाइन में लगे, लाइन में। हलवा, सब्जी, चावल और रोटी है ना भैया? तो इसी तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पे लाइन वाइज लगे हुए हैं और इस तरीके से भोजन जो है यहाँ पर चल रहा है। ऐसे 3 महीने तक यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर आ सकते हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से यहाँ पर ऐसे ही भोजन जो है सभी को, सभी भक्तों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये महाप्रसाद है जो इस्कॉन की तरफ से है। ये देखिए सारे सामान जो है फिर से आ रहे हैं और ये कंटिन्यू यहाँ पर जो है प्रसाद वितरण किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है भोजन यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं और यहाँ पर आप निःशुल्क भोजन आप खा सकते हैं, आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता है। ये है अयोध्या, ये नई अयोध्या है जो आपको श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए ये दिए जाते हैं। तो गाइस जो प्रसाद है यहाँ के जो राम भक्तों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको, क्या क्या चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया अभी तक कि जो श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ जो है लगी हुई है सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ मिलता है प्रसाद में वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले चावल वितरण किए जा रहे हैं, भैया के द्वारा यहाँ पे चावल दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको हलवा जो है वो मिलते हैं। तो अभी दिखाते हैं हलवा जो है किस तरीके से, जो वृंदावन के हलवा रहते हैं वो आपको दिखते हैं। यहाँ पर आपको हलवा जो है वो दिया जाता है, चावल है, हलवा है और आगे सब्जी जो है वो है और यहाँ पर पोहे भी है, ये सब आइटम है और रोटी भी है और आपको सब मिल जाता है। इधर ये सब्जी आपको दिखाते हैं, तो ये है सब्जी और ये आपको मिल जाता है पोहा। तो कुछ इस तरीके से राम भक्तों के लिए जो प्रसाद है जो वृंदावन इस्कॉन टेम्पल की तरफ से जो है अन्नदान सेवा जो है आपको मिलते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है और भैया लोग जो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि आपको फ्री में भोजन यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको मैंने दिखाया ऐसे कई जगह पे हैं जो अयोध्या में भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, अलग अलग संस्था है वो भोजन प्रोवाइड करा रहा है श्रद्धालुओं को राम भक्तों के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भोजनालय की वीडियो कैसी लगी और रहने के लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ अगर आप कॉमेंट करते हैं तो मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँगा। तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या। ये था अयोध्या, अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत ही दुनिया के लोग आए हैं, एक्टर आए थे, सेलिब्रिटीज़ आए थे, सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे यात्री आते हैं और दर्शन करते हैं राम मंदिर के, अच्छा प्रे करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए जो वहाँ से जो लोग आते हैं कई शहरों से आए हुए, तो बड़ा अच्छा सिस्टम लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़े सुकून से चल रहा है। अच्छा यहाँ भी लंगर बहुत चलते हैं लेकिन बड़े लंगर लूटे जाते हैं, तो हर डिसिप्लिन नहीं होता, हर जगह ही होता है लेकिन यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे अभी कम लोग हैं ना, दिन का टाइम है, गर्मी है, ये भी होता है। दूसरा ये कि यहाँ भी ऐसे ही है कुछ जगहों से, तो फिर आराम से भी मिल रहा होता है, कईयों से लूट मार होती है। अच्छा ज़्यादातर ये देखा है कि मतलब ज़्यादातर एक लोग खाना खिला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ में मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ सिलानी है, JDC है, ये सारी चीज़ें भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से खिलाते हैं, लेकिन मीठा वाला टच जो है ना ये मतलब कोई मतलब एक्स्ट्रा ही चीज़ है। नहीं अच्छी बात है, अच्छी करते हैं, कुछ पूरा पूरा भी करते हैं। हमारे यहाँ सिलानी विलानी में मीठा मीठे वाला मामला है, नहीं कभी गए नहीं, जैसे वीडियोस में इफ्तारी होती है तो वो अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। वहाँ पे तो खीर मिलती है, सही है। कौन सी मस्जिद है मुझे बताना, मैं भी आऊंगा। फेस टू में एस मस, हम तो उधर ही खोलते हैं। दूध सोडा बड़ा मजे का होता है, सवैया बीच में मरंगा, अच्छा जेली डली होती है, सही है। खीर देते हैं छोटी सी,
रोज नहीं नहीं ये सिस्टम होता है ये एक महीने का सबको एक एक दिन है शहरी में तो नहीं शहरी तो बाहर अच्छा वहाँ पे फिर जैसे ही नमाज खत्म होती है मुझे नहीं पता जैसे एक मरतबा मैं वही मौजूद था रोजे के दिनों में तो हम लोगों ने पता नहीं कहीं रोज़ा खोला था शायद होटल में लेकिन उसके बाद प्रॉपर देगें खुलती हैं बिरयानी भी खिलाते हैं वो अयाज मस्जिद जो भाग के बाहर भागा था वो नहीं अभी तो नहीं है भागा था खिलाते अभी नहीं देखा अच्छा पिछले रोजे भी नहीं ये पूरे कराची में हो रहा होता है ये इसमें अच्छा एक और चीज़ मैंने सुनी है सद्दाम तो पंजाब में इनकी फैमिली है तो ये कराची में रहते हैं तो मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि कराची में ये थोड़ा सा सिस्टम है रोजे खुलवाने का सड़कों पे आगे चले जाओ पंजाब में नहीं है पंजाब अच्छा कराची में भी मैं आपकी बात तो अभी थोड़ा कम हो गया महंगाई की वजह से वरना पहले एक कदम पे आपको लोग कुछ लोग तो ऐसे ही रोडों पे निकल जाते हैं उस टाइम पे बच्चों को उठा के और वो फिर जमा कर रहे होते हैं इतना मिलता है।